हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर महेंद्र। तबुज्जी एंड भैरवा की वेब सीरीज आई है, वो भी दो एपिसोड की, अमेजोन प्राइम के ऊपर। देखो जो लेंथ है वो है 14-14 मिनट की, मतलब कि आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 28 मिनट खर्च करने पड़ेंगे। ये कैसी है? देखो मैं कहना चाहूँगा, एक 600 करोड़ की फिल्म आ रही है, उसका जो मेन दो करेक्टर्स हैं भुज्जी एंड भैरवा, उनका इंट्रोडक्शन हो सकता है ये। उस तरीके से नाग अश्विन ने इसको प्रेजेंट किया है, वो भी एनिमेटेड फॉर्म में। तो हमें देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए? मैं कहूँगा जरूर देखनी चाहिए। बात करूं अगर कहानी की, तो कहानी थोड़ी थोड़ी गणपत जैसी लगती है, पर इसका जो एग्जीक्यूशन है उससे फार 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 बेटर है। इसका जो एनिमेशन है बहुत जबरदस्त है। कहानी है एक भाई साहब कहते हैं कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की, और एक ऐसी जगह की जहां पर सारी सुख सुविधाएं हैं। तो भैरवा वहां जाना चाहता है, और भुज्जी वहां के लिए क्या काम करती है, यही सब चीज दिखाने की कोशिश की है नाग अश्विन ने। और ये दोनों कैसे मिलते हैं और उसके बाद क्या होता है, ये देखने में आपको मजा आएगा। इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग दिखाई गई है वो देखकर अच्छा लगता है। मैं इतना कहना चाहूंगा, ऐसी कहानी है जो पहले आपने देखी होगी। एनिमेशन पर कहना चाहूंगा कि एनिमेशन हॉलीवुड लेवल का है, इवन उसके ज्यादा टक्कर का है, ये कह सकते हैं। नाग अश्विन का जो विजन है उसको सैल्यूट करना होगा, क्योंकि उन्होंने जो एक फिल्म बनाई है जो फ्यूचरिस्टिक फिल्म है, डिस्टोपियन फिल्म है, जो कल की 2898 है, उसका ये एक ऐसा वर्जन है जिसमें आपको यहां पता लगेगा कि हमें फिल्म में क्या देखने को मिल सकता है। ये रिस्क भी बहुत है, क्योंकि बहुत सी कहानी रिवील हो जाती है, कॉन्सेप्ट रिवील हो जाता है, फिर भी उन्होंने ये जो किया है उसके लिए सैल्यूट है नाग अश्विन को। मैं इतना कहना चाहूंगा, टाइम है तो जरूर देखो, क्योंकि ज्यादा वक्त आपका यह लेगा नहीं। उसके बाद जो आपका एक्सपीरियंस मिलने वाला है वो आपको कहीं ना कहीं दिल के सुकून देने वाला है। मुझे तो पसंद आया, आपको भी जरूर पसंद आएगा। बाकी देखते हैं, ये तो वेब सीरीज बढ़िया बनी है, दो एपिसोड अभी आए हैं। कंप्लीट फिल्म जब आएगी, कंप्लीट फिल्म तो वो पूरी होने वाली है, उसमें तो पूरी बड़ी तकड़ी कहानी चलने वाली है कल की और कली की, वो देखने में अच्छा लगेगा, ये भी मजा आया देखकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।